स्वागत है। तो रिवर की आवाज़ आ ही रही होगी आपको। तो गाइस वहाँ पे हमने आराम से 40 मिनट बिता ली नदी के एकदम जस्ट बाजू में। सो वेलकम बैक गाइस, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के लिए हमने एक होम स्टे में शिफ्ट किया है क्योंकि उन लोगों को हेल्प, मतलब एक बड़ा ग्रुप था तो उसके वजह से उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो हमको भी होम स्टे का थोड़ा सा देखना था कि कैसा रहता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था यहाँ पे कि लोकल लोग रहते कैसे हैं, कैसे अपनी लाइफ बताते हैं। तो वही एक यहाँ पे लोकल घर पे रुके हम लोग, होम स्टे जिन लोगों ने ओपन कर रखा हुआ है। पर रूम अच्छा है, कोजी सा है, मतलब ज्यादा वार्म है ऊपर वाले से। बट अभी हम लोग जा रहे हैं ना, वो जो आप लोकल वाली, जब आप कहीं पे जाते हो और आप ऐसे लोकल जैसा रहते हो तो बोला जाता है ना कि आप वो एक्सपीरियंस लिव करते हो। दैट इज समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई एम फुली हैप्पी बिकॉज इतने सारे रिजॉर्ट्स, इतने सारे होटल्स में इन द पास्ट रुके हैं, ये एक पहला एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे हम होम स्टे कर रहे हैं। इवन इफ इट्स फॉर अ डे देन यस यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर की तरफ, ठंडा हो रखा है यहाँ पे, हवा भी चल रही है अच्छी। 4 बज रहे हैं अभी शाम के, होपफुली 1-1.5 आवर हम लोग यहाँ स्पेंड करके वापस जाएंगे क्योंकि अंधेरा भी जल्दी होता है। एंड ये थोड़ा जंगल के पास है और यहाँ पे लेपर्ड्स, फॉक्स वगैरह रहते हैं, तो ज़्यादा आगे भी नहीं तो ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना है। बट आज का दिन तो जैसा आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, पूरा गाड़ी के ऊपर ही निकल गया, कुछ और ही प्लान था। बट आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता उस चीज़ का, अब बस उससे डील ही किया जा सकता है, तो डील कर रहे हैं उससे हम लोग। हो गई है तो अब सलूशन निकालना। तो वैसे गाड़ी का क्लच प्लेट चेंज हो जाएगा, पार्ट आने में कल सुबह तक का टाइम लगेगा क्योंकि नीचे से मंगाते हैं ना, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ अवेलेबल नहीं रहता हर एक पार्ट। तो कल या परसों गाड़ी का क्लच प्लेट बदल दिया जाएगा। रिवर थोड़ी थोड़ी दिख रही है यहाँ पे, जो कि हमारे स्टे को शायद एक दिन और प्रोलॉन्ग कर देगी। ये जो कल मेरी भैया से बात हो रही थी, ये जो लैंड है ये रिवर के पास है, ये थोड़ी खिसक सकती है, राइट। जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा बहाव रहता है नदी का, तो उन लोगों को उस तरफ पहाड़ में ज़मीन दे रखी है गवर्नमेंट ने, सो दैट्स अ गुड थिंग। उनको पैसे भी दे रखे हैं ताकि वो लोग अपना घर बना सकें, तो आई गेस ये लोग दोनों पार्ट यूज़ कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, जब तक चल रहा है। यहाँ पे रहेंगे और जैसे ही ये खतरे के उधर आ जाएगा साइड पे लैंड एरिया, शिफ्ट कर देंगे, तब तक दोनों फील्ड का मज़ा। रिवर की आवाज़ आ ही रही होगी आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी जस्ट दिखाई मैंने, थोड़ा सा पार्ट दिखाया रिवर का, और यहाँ पे कहीं भी जाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे इंक्लाइन, ट्रेडमिल की इंक्लाइन जो होती है ना, उस पे वॉकिंग कर रहे हैं। अरे हर जगह सीढ़ियाँ रहेंगी। अभी हम लोग ये तो ब्रिज है, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ जोड़ती है, कनेक्शन है वहाँ से, गाड़ी इधर से उधर जाती है, वन ऑफ द कनेक्शन। अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर उधर, थोड़ा सा पास जाएंगे पानी के, बट रास्ता ऐसा है। ये हमारा चिलिंग स्पॉट आज के लिए, एकदम जंगल के बीच में नदी बहते हुए, शोर आ रहा होगा पानी का बट हमारे वो शोर नहीं है।
तो यहीं पे अभी हम थोड़ी देर चिल करेंगे। आज वैसे बहुत टायरिंग डे हो गया है, थोड़ा सा धूप में जो तो चीज़ें हुई ना वहाँ पे हो गया। और अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं इन सब चीज़ों से दूर, फ़ोन से दूर और बाकी सब शोर शराबे से दूर। पर आप क्या इनसे बड़े हो? वहाँ पे हमने आराम से 40 मिनट बिता लिए, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया जो करना था। अभी हम लोग एक और पॉइंट पे जा रहे हैं यहीं पे, वो जो एक्चुअली उसका एक्चुअल रास्ता है। हाँ, जो हमने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे वो अलग ही था। तो कॉल किया तो उनने बताया नहीं थोड़ा और आगे से है, तो उसी की तरफ अभी हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। बट मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडा हो रखा है यहाँ पे। और देख एक्चुअली यहाँ पे अगर आप रहोगे ना थोड़ा सा डार्क है, बट कैमरे में लाइट आ रही है बिकॉज ऑफ सन। उसकी इतनी सी धूप पड़ रही है उसी में इतना ब्राइट हो रहा है। बस अभी आई गेस हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे और आप लोग को भी दिखाते हैं वो लोग कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। तो ऐसा रास्ता है जो जा रहा है अभी हमें पानी रिवर के पास लेते हुए। क्या है आगे? तो कुछ ऐसी जगह है, यहाँ पे थोड़ा खाली एरिया है, लोग यहाँ पे आई गेस अगर कैंपिंग करनी होती तो करते हैं। आग वाग जलाने के लिए, बॉन फायर लगाने के लिए स्पेस बना रखी हुई है। और नदी के एकदम जस्ट बाजू में क्रेजी है। और धीरे धीरे यहाँ पे टेम्परेचर और डाउन होते जा रहा है, बट जंगल वाली फुल वाइब आ रही है। आप उतने पास हो जंगल के, कोई नहीं है यहाँ पे बस अच्छा लग रहा है। नदी बाजू से गुजर रही है। और एक ये है, बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पे, थोड़ा कम पानी है आई गेस, ओनली बारिश के टाइम पे पानी भरता है यहाँ पे। पर बैठने के लिए ठीक है, पर बैठने के लिए बहुत सारे पत्थर हैं जिनमें अच्छी जगह है चिल करने के लिए, अच्छा व्यू भी इधर से पहाड़ का। तो हम आराम कर रहे थे। तो अंधेरा हो चुका है, अभी वापस जा रहे हैं हम लोग। ठंडी अच्छी खासी बढ़ गई है। तो हमारा टाइम यहाँ पे आई गेस खत्म होता है क्योंकि अभी अंधेरा होने लग गया है, सन थोड़ा नीचे जा चुका है, अभी थोड़ी सी लाइट है। लाइट है ही। और वापस भी जाना है ऊपर हमें, बहुत ठंड हो गई है। बट अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, अच्छा ठंडी वाला मौसम है और एकदम शांत है, सिर्फ पानी की आवाज़ है और किसी चीज़ की नहीं, और जंगल के बीच में है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा यहाँ पे, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है माइंड सुबह की जो भी चीज़ें हुई उससे। अभी नेक्स्ट आज है, अच्छा खाएंगे और सो जाएंगे, आराम करेंगे ताकि कल के लिए प्रिपेयर रहें। होपफुली फिंगर क्रॉस कल अच्छा दिन जाए हमारा और अच्छे से सब कुछ कवर हो जाए। जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं उसके उल्टा ही होता जा रहा है कुछ ना कुछ अड़चने आते जा रही है, बट क्या कर सकते हैं, पर चलते जा रहे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, अगर पसंद आ रही है लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलना, डू सब्सक्राइब कर लो पैसा नहीं जा रहा उसमें, राइट, सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए देख रहे हो, जो भी देख रहे हैं अभी तक जिनने किया नहीं है वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। शेयर करो जितने लोगों के साथ कर सकते हो। इसी के साथ बी सेफ बी हेल्दी, नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।